हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल हाई फाई स्टडी पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए होने वाली है। जितने भी 2022 बैच के स्टूडेंट हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, उन सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट यहाँ पर वीडियो होने वाली है। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर डीलर 2022 बैच और प्रथम सेमेस्टर संपूर्ण पाठ्यक्रम जो कि किसका होने वाला है, यहाँ पर आपका गणित का जो है वो संपूर्ण पाठ्यक्रम होने वाला है। जितना भी आपके सिलेबस में चैप्टर में गणित के चैप्टर जो जो चैप्टर हैं वो सारे आपके सामने लिखे हुए हैं। साथ ही में दोस्तों, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन चैप्टर में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, वो सारी कुछ आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जो आपका प्रथम सेमेस्टर में, ऐसा तो नहीं है भाई आप इन चैप्टर से ज़्यादा पढ़ रहे हो या आप ऐसा कुछ पढ़ रहे हो जो आपके सिलेबस में ही ना हो। ऐसा चैप्टर आप पढ़ रहे हो जो इन 10 चैप्टर के बाहर पढ़ रहे हो, ऐसा पढ़ रहे हो आप लोग जो इन 10 चैप्टर में हो ही ना, तो इस चीज़ को सबसे पहले क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। कि भाई जो आप प्रथम सेमेस्टर का जो सिलेबस पढ़ रहे हो आप लोग, वो जो पाठ्यक्रम पढ़ रहे हो, जो सब्जेक्ट हैं, सॉरी गणित में जो आप चैप्टर पढ़ रहे हो, वो चैप्टर, ऐसा तो नहीं है कोई चैप्टर आपसे इसमें छूट रहा हो या इनके अलावा आप एक्स्ट्रा चैप्टर पढ़ रहे हो, ये सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा सिलेबस में। तो हम लोग सबसे पहले अगर हम लोग चैप्टर की बात करते हैं, तो सबसे पहला हमारा जो चैप्टर आ जाता है वो आता है आपका संख्या तथा अंकों का ज्ञान। अब संख्या तथा अंकों के ज्ञान में आपका संख्या का अर्थ क्या होता है, अंकों का ज्ञान क्या होता है, इनके भूमिका, इनको गिनना पढ़ना और इनसे जो स्थानीय मान ज्ञात करना, यानी कि जैसे आपके सामने लिख दिया जाता है 6666, ठीक है, या फिर आपसे लिख दिया जाता है 7254, इसमें 5 का स्थानीय मान, तो ऐसे करके 5050 स्थानीय मान है ना, ऐसे निकालना। ये सारी चीज़ें आपको पहले वाले चैप्टर में सिखाई जाती हैं संख्या तथा अंकों का ज्ञान से रिलेटेड। दूसरा चैप्टर जो आपका आता है वो आता है गुणा भाग एवं भिन्न पर आधारित, जो आधारित जो संक्रियाएं होती हैं इनमें आपको गुणा करना सिखाया जाएगा, भाग करना सिखाया जाएगा, भिन्नों का गुणा करना, भिन्नों का भाग करना, बिना हासिल वाले गुणा जो होती है, हासिल वाले गुणा जो होते हैं, भाग की अवधारणा जो होती है, बिना हासिल वाले भाग कौन से होते हैं और हासिल वाले भाग कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। उसी तरह से भिन्न क्या होती है, भिन्न के कितने प्रकार होते हैं, भिन्नों का जोड़ घटाव गुणा भाग करना कैसे सिखाया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको सेकंड चैप्टर यानी गुणा भाग एवं भिन्न पर आधारित जो संक्रियाएं होती हैं उनमें आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो सिखाई जाएंगी। तीसरा आपका चैप्टर होता है दशमलव, अपवर्तक, अपवर्त एवं समापवर्तक तथा समापवर्त्य, ठीक है, अपवर्तक, अपवर्त, समापवर्त, समापवर्तक जो है ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट जो है चैप्टर होता है। क्यों होता है, काफ़ी सारे प्रश्न, एक इसमें से आपका चैप्टर ऐसा भी है, अभी मैं आपको बताऊंगा, इन 10 चैप्टर में एक चैप्टर आपका ऐसा भी है उसमें से अगर आपका प्रश्न नहीं आया, उसमें से अगर आपका प्रश्न नहीं आया तो भैया पढ़ाना बंद कर दूंगा, ये चीज़ आप प्रीवियस ईयर उठा कर देख लीजिएगा। उसमें से अगर प्रश्न नहीं आया होगा तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है, कौन सा चैप्टर अभी मैं आपको बताऊंगा। तीसरा चैप्टर जो आपका होता है दशमलव, अपवर्त, अपवर्तक, समापवर्तक, इसमें आपको दशमलव की अवधारणा क्या होती है, दशमलव को जोड़ना घटाना गुणा भाग करना, इसमें आपका अपवर्तक विभाजक जो होते हैं, गुणज जो होते हैं, समापवर्तक, समापवर्ती, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ाई जाएंगी। चौथा चैप्टर आपका होता है भाज्य अभाज्य संख्याएं तथा एलसीएम और एचसीएम, ये चीज़ें आपको पता ही है, ठीक है ना, ये चीज़ें बतानी जरूरत नहीं, एलसीएम एचसीएम तो आप लोग पढ़ते ही आ रहे हो। बाकी पांचवा नंबर आपका जो पांचवा चैप्टर हो जाता है वो प्रतिशत का, परसेंटेज का चैप्टर हो जाता है, प्रतिशत, इसमें नॉर्मल प्रतिशत पूछा जाता है, जैसे कि परसेंटेज क्या होता है, इसके अर्थ क्या होते हैं, इसको निकाला कैसे जाता है, संख्याओं का प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, ठीक है, फाइंडिंग परसेंटेज ऑफ नंबर्स वगैरह जो होते हैं, प्रतिशत ज्ञात करना, टू फाइंड परसेंटेज, ये सारी चीज़ें आपको बताया जाएगा। छठवां नंबर चैप्टर जो होता है वो आपको होता है आंकड़ों का ग्राफीय निरूपण, ठीक है, एक आपका ग्राफ के ऊपर भी एक निरूपण किया जाता है जो बहुत कम ही लोग पढ़ाते हैं उसको, ठीक है, बहुत कम लोग इसको पढ़ाते हैं, ठीक है, तो ग्राफी, इसमें आपका पिक्टोग्राफ वगैरह जो है वो होता है, पिक्टोग्राफ से रिलेटेड बेसिकली ये होता है, ठीक है, पाईग्राफ, वृत्त की आरेखा, बीजगणीय अवधारणा जो होती है वो इसी के अंतर्गत आती हैं, स्तंभ आरेख गुण भी आते हैं, पाईग्राफ भी आता है, जिससे बेसिकली आप इतना समझ लीजिए पाईग्राफ वाला जो चैप्टर होता है वो आपका छठा नंबर चैप्टर जो होता है वो आपका पाईग्राफ से ही रिलेटेड होता है, ठीक है ना, किससे रिलेटेड होता है भैया, पाईग्राफ से रिलेटेड होता है। बाकी सातवां नंबर जो आपका चैप्टर बनता है वो बिंदु, रेखा, रेखा खंड, तल, वृत्त, किरण, कोण, ये सभी जो आते हैं, बिंदु, रेखा, रेखाखंड, तल, वृत्त, किरण और कोण, ये सभी जो आपके आते हैं ये आपके बेसिकली रेखाखंड से रिलेटेड आते हैं, रेखा गणित से रिलेटेड हमारे ये होते हैं, इनमें आपको बिंदु, रेखा, रेखाखंड, तल की संकल्पना, तलखंड, वक्र, किरण, कोण, कोण के प्रकार, टाइप ऑफ एंगल्स,
ठीक है, कोण से संबंधित जितने भी तथ्य होते हैं, कोण से संबंधित जितने भी प्रश्न होते हैं, वो सारी चीजें आपको इस वाले चैप्टर में आपको देखने को मिलेंगी। बाकी एक ऐसा चैप्टर है, इकलौता ऐसा चैप्टर है कि इनमें से कोई एक ऐसा चैप्टर होगा जिनमें से मान लीजिए प्रश्न नहीं पूछा जाता है, लेकिन एक ऐसा चैप्टर है कोण के प्रकार तथा उनकी रचना। इस चैप्टर से प्रश्न भैया 100% नहीं, आप 200% लिख के मैं दे रहा हूँ, इसमें से 100% पूछा जाता है। कौन सा पूछा जाता है? एक तो आपका 60 अंश का कोण, 120 अंश का कोण, ये सारी चीजें आपकी पूछ जाती हैं, ठीक है। 60 का, 90 का और 120 का, ये तीन कोण आप लोग बनाना सीख लीजिए। एक नंबर आप, एक क्वेश्चन आपका कन्फर्म है पूछा जाएगा, 200% गारंटी ले सकता हूँ भाई आपका, 200% मैं गारंटी ले सकता हूँ कि एक प्रश्न इनमें से जरूर पूछा जाएगा कि 60%, 120% या 90, सॉरी प्रतिशत में चला जा रहा हूँ, 60 डिग्री, 120 डिग्री या 90 डिग्री का कोण बनाना है आपको, इनमें से एक बनाना है, उसमें से इन तीनों में से एक जरूर आपका पूछा जाता है। 60 डिग्री का कोण बनाइए, 90 डिग्री का कोण बनाइए या 120 डिग्री का कोण बनाइए, ये जरूर पूछा जाता है। कोण के प्रकार पूछा जाता है, शून्य कोण किसे कहते हैं, न्यून कोण किसे कहते हैं, सम कोण किसे कहते हैं, अधिक कोण किसे कहते हैं, रिज कोण किसे कहते हैं, बृहत कोण किसे कहते हैं, संपूर्ण कोण किसे कहते हैं, कंप्लीट एंगल, इन सभी जो शून्य से लेकर के शून्य, न्यून, सम, अधिक, रिज और बृहत और संपूर्ण, इनमें से एक परिभाषा आपकी पूछ जाती है कि शून्य कोण किसे कहें, लिखिए, ठीक है, ये चीज भी पूछा जाता है। बाकी आपका नेक्स्ट चैप्टर जो होता है वो आपका होता है त्रिभुज, आयत, वर्ग और वृत्त। ये आपका चैप्टर होता है त्रिभुज, आयत, वर्ग और वृत्त से रिलेटेड आपके, यानी कि त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज का वर्गीकरण क्या होता है, कोणों के आधार पर, भुजाओं के आधार पर, बाकी त्रिभुज के अंग क्या होते हैं, आयत क्या होता है, वर्ग क्या होता है, वृत्त क्या होता है, ये सारी चीजें आपको, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट जो चैप्टर होता है वो होता है आपका कॉन्सेप्ट, यानी कि परिमिति की अवधारणा, परिमिति की अवधारणा, ये 10वां नंबर चैप्टर होता है। तो बेसिकली आपके टोटल जो चैप्टर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, टोटल अगर हम चैप्टर की बात करते हैं तो टोटल आपके 10 चैप्टर होते हैं। इन चैप्टर के अंदर काफ़ी सारे टॉपिक होते हैं, जैसे कि एक चैप्टर मान लीजिए 10 से 15 टॉपिक, एक चैप्टर में 10 से 15 टॉपिक मतलब बेसिकली होता है। बाकी ये चैप्टर आप अपने अपने ध्यान से, अपने तरीके से आपको अच्छे से देखना है, इसमें 60 डिग्री कोण कैसे बनाना है, स्टेप बाय स्टेप। ऐसा नहीं है कि आप 60 डिग्री कोण बना दिए और बस आपको नंबर मिल गया, नहीं, उसकी रचना भी लिखना है कि सर प्रथम इस बिंदु से एक चाप ये लगाए, इस बिंदु से एक चाप ये लगाए, ये सारी चीज़ें उसकी रचना होती है ना, वो सारी चीज़ें आपको लिखनी होती है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो शेयर करिएगा दोस्त मित्रों के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।